राजमहल थाना पुलिस ने प्रतिबंधित हीरोइन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 6 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ है, जिनका बाजार मूल्य 3 लाख रुपए बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अभी हाल में ही राजमहल थाना अंतर्गत हम लोग NDPS के अंतर्गत पड़ने वाला गांजा की बड़ी खेप हम लोगों ने बरामद किया था और NDPS के अंतर्गत आने वाले GBB आपत्तिजनक सामग्रियाँ आती है, उस संदर्भ में हम लोगों ने अभियान चला रखा है। तो थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि बांसबारी जो इलाका है वहाँ पर एक हीरोइन का कारोबार करने वाला व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल से आने वाला है, जिसकी सूचना ये मुझे देते हुए लोकल DSP को बुलाया गया और अंचलाधिकारी को भी इसकी सूचना प्रीति लता किस्कू जी को दी गई। टीम जब वहाँ पहुँचा है तो रवि स्वर्णकार जो 41 वर्ष के आदमी हैं और राजमहल का ही रहने वाला है, समस्तीपुर ग्राम का, उसके पास से हीरोइन का कुछ पैकेट बरामद हुआ है और उसको वजन करने वाले इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी मिले। चूँकि मजिस्ट्रेट वहाँ स्वयं उपलब्ध थी और हम लोगों के पास DD किट्स भी है, उसके माध्यम से जब चेक किया गया तो वैसे भी वो एक बालिया बयान में तस्लीम किया कि हम इसको लाए हैं, हम खुद सेवन इसका करते हैं और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं राजमहल में जो इसका सेवन वो लोग थरले से करते हैं, उनको ही ये सप्लाई करते हैं। जब्त किया गया मैडम के सामने ही और मोटरसाइकिल भी जब्त हो गया है, हीरोइन का ये पैकेट भी मिला है, करीब 6 ग्राम हीरोइन है जिसका बाजारू मूल्य आज के डेट में हम लोगों ने NDPS विभाग से भी पता करवाया है तो पता ये चला है करीब 3 लाख रुपया इसका बाजारू मूल्य है। ये भी खुद बताया कि 3 लाख रुपया हमको इससे मिल जाता। इस प्रकार ये बड़ा कैच कह सकते हैं हम। ऑलरेडी जब इनका आपराधिक इतिहास का जब हम लोगों ने खंगाला है तो पाया गया कि ये पहले भी राजमहल थाना से 2 बार इसी NDPS एक्ट के अंतर्गत ये जेल जा चुके, जब भी जेल से छूटे हैं उसके बाद फिर इसी कारोबार में लग जाते हैं। इनके पीछे एक राज इनका ये है कि भाई क्यों इसी काम में लग जाते हो, तो इनका कहना था कि हम बर्तन बासन बेचने का काम करते हैं, स्वर्णकार हैं, लेकिन इसमें ये सामान हम रखते हैं तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिसको जान पहचान के हैं, तो बर्तन लेने के बहाने वहाँ हम चले जाते हैं, इसको बेच देते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता। और ये चूँकि उजला रंग का ये पदार्थ होता है तो और लोगों को हम समझाने में सक्षम हो जाते हैं कि ये एल्युमिनियम का जो बर्तन है उसको साफ़ सफाई करने के लिए, दाग जो पकड़ जाए तो उसको साफ़ सफाई करने के में काम आता है। इस तरह से लोगों को धोखा देके और अपना रोजी रोटी कर सकते हैं, अपना व्यापार ये ढंग से करते आ रहे। इस बार प्रॉपर साक्ष्य के तहत हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित किया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि इनको ट्रायल के बाद कन्विक्शन होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू पर इस पर हम लोग धन्यवाद।